तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। अगर बेसिकली इसमें तुम देखोगे तो क्या कर रहे हैं इस सवाल में, तो बेसिकली हमें ये कहते हैं कि करंट दिया हुआ, तो करंट की जो वैल्यू है यहाँ पर, करंट की जो एक्सप्रेशन है, करंट इज इक्वल टू वो 2.5 और प्लस माइनस 0.5 है, ठीक ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर एरर है, मिस्टेक है, ये 2.3 नहीं 2.5 होगा, ठीक है। और वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट यहाँ से। तो अगर इतना एम्पियर, ये एम्पियर इतना है और ये इतना वोल्ट है ये वाला, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर ये वाला करंट और वोल्ट यहाँ पे, तो अब यहाँ से तुम देखो तो बेसिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कहता है रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस हमें लिखना है आर प्लस माइनस डेल्टा आर के फॉर्म में, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस प्लस एब्सोल्यूट एरर। तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपन आई है, तो वी कितना है 20 और आई जो है वो 2.5 है, ठीक है। तो अगर मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाता है 8 ओम, मतलब सी ऑप्शन सही है, बाकी सही नहीं है। तो एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग अच्छे लोग हैं, तो डेल्टा आर अपन आर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी अपन वी और प्लस डेल्टा आई अपन आई यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेसिकली तुम अगर देखोगे तो यहाँ से डेल्टा आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो डेल्टा वोल्टेज, तो 1 अपन डेल्टा भी एब्सोल्यूट एरर इन वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज 20 है, प्लस डेल्टा आई 0.5 और डिवाइडेड बाई यहाँ से 2.5 है, और मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ से 8 से, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा आर निकाल रहे ना, तो ये आर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब यह आ जाएगा 0.2 और प्लस यहाँ से तुम देखोगे 0.2 प्लस यहाँ से, तो पॉइंट पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो गया, और यहाँ से पॉइंट टू ये तुम देखोगे तो यहाँ कैलकुलेशन हल्का सा मिस्टेक है, इसको सॉल्व करेगा तो 0.5 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 8 आएगा, मतलब 0.25 और मल्टीप्लाइड बाई 8 आएगा, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 8 मतलब 2 आ जाएगा डेल्टा आर एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा आर की, आर जो होगा आर प्लस आर जो है प्लस प्लस डेल्टा आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 8 प्लस माइनस 2, मतलब सी ऑप्शन अपना सही है। थैंक यू।